हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे लौकिक सपिस्ता की। ये आप देख रहे हैं लौकिक सपिस्ता है, एक क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी फार्मेसी की ज़्यादातर कंपनियां इस मेडिसिन को बनाती हैं और बहुत अच्छी और बहुत सस्ते प्राइस में ये आसानी से मिल जाती है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, 125 ग्राम लौकिक के 70 रुपीज़ MRP है आप देख रहे हैं, तो बहुत कम रेट में और बहुत अच्छे कंपनियों की मिल जाती है ये। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि ये किस किस काम आती है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या फंक्शन है इसके और कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या डोज है। आज हम इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी मेडिसिन आप तक आसानी से और पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लौकिक सपिस्ता की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि लौकिक सपिस्ता होता क्यों नाम रखा गया है इसका। दोस्तों लौकिक एक केवामी मुरक्कब होता है जो माजून से तो पतला होता है लेकिन शरबत से गाढ़ा होता है और शक्कर शहद का इसमें भी होना ज़रूरी है, एक माजून की ही किस्म होती है ये। और सपिस्ता दोस्तों एक सिंगल ड्रग्स है, यूनानी ड्रग्स मेडिसिन है जो इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल की जाती है, इसलिए इसका नाम लौकिक सपिस्ता रखा गया। लौकिक जो है स्पेशली नज़ला जुकाम और गले के अमराज और सीने के अमराज के लिए बनाया गया था, ये भी मैं आपको बताते चलूँ। चलिए दोस्तों आप जानते हैं इसके फंक्शन क्या हैं, ख़ास ख़ास जो फंक्शन है मैं वो बता रहा हूँ। दोस्तों इसका जो सबसे पहला और ख़ास फंक्शन है वो है मुनफ़िस बलगम। ये बलगम को तोड़ करके खारिज करते हैं, अगर खांसी जुखाम वगैरह है उसमें बलगम आ रहा तो उसको बाहर निकाल करके लंग्स का सफाया करती है, गले का सफाया करती है दवा, और इसके लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, बेहतर दवा है। उसके बाद खांसी में आराम देती है, खांसी को ख़त्म करती है, जड़ से ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने नज़ला में या पुराने नज़ले जितने भी होते हैं, क्रोनिक नज़ले जो होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया था। और बलगम को खारिज करने का काम तो करता है, दाफ़े बलगम तो है ही, मुनफ़िस बलगम के साथ साथ दाफ़े बलगम दवा है, बलगम को भी ये खारिज करती है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है दोस्तों जिसमें इसका इस्तेमाल करा करके फ़ायदा हासिल किया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की और बताने की। दोस्तों नज़ला जुकाम, पुराना जो नज़ला जुकाम होता है उसमें इस सपिस्ता लौकिक सपिस्ता का बहुत शानदार फ़ायदा है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा करके मर्ज को जड़ से ख़त्म किया जाता है, इसका ये ख़ास फ़ायदा है। फिर उसके बाद पुरानी खांसी है, अगर बार बार खांसी रह रही है और ठीक नहीं हो रही है तो अब आप लौकिक सपिस्ता का इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। और जो वायरल नज़ला जो होते हैं आजकल, जो अलग अलग तरह के वायरल फीवर चल रहे हैं उसमें नज़ला होता है, खांसी होती है, तो उसमें भी इस सपिस्ता का बहुत अच्छा फ़ायदा है। इन्फ्लुएंजा जो है उसमें भी इस सपिस्ता को इस्तेमाल कराया जाता है और मर्ज से छुटकारा हासिल किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखे ये लौकिक सपिस्ता के फ़ायदे बताए मैंने, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ बताना बाकी है तो वीडियो का भी पूरा देखें। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट जो है वो सपिस्ता है और सपिस्ता एक यूनानी दवा है। उसके बाद इसमें बहुत सारे अज्जा, बहुत सारे कंटेंट दवाएं मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए किसी दिन इंशाल्लाह बना करके बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन कौन सी दवा डाल मिला करके इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दवाएँ हैं वो तो मैं बता रहा हूँ कि फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे बनाते हुए। उसके बाद बात आती है दोस्तों इसकी डोज या मिकदार खुराक की, तो दोस्तों इसकी डोज या मिकदार खुराक जो है वो 10 से 20 ग्राम है, 10 से 20 ग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल कराएं। याद रहे दोस्तों अरके गाव जबां के साथ इस्तेमाल कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अरके गाव जबां की वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने अरके गाव जबां के बारे में भी डिटेल बताई है कि वो किस काम आता है और उसका क्या खास फंक्शन है। तो दोस्तों आप अरके गाव जबां के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा लिंक चेक कर सकते हैं, और या फिर गाव जबां का जोशांदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोशांदा मतलब गाव जबां को रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह उसको उबाल के जो पानी है उसको छान करके इस्तेमाल करना, वो जोशांदा होता है, तो उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया कि ये क्लासिकल मेडिसिन है, इसे शमा हमदर्द और दवाखाना तिबिया कॉलेज ये सभी कंपनियां बनाती हैं, और भी नई कंपनियां जो हैं डेलवी भी बनाती है और भी कई कंपनियां बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, वीडियो देखते रहें। खुदा हाफिज़।